अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको बात बात पे प्रिंसिपल हो या कोई टीचर हो आपको एक एप्लीकेशन लिखने को बोलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको नियम नहीं पता है कि एप्लीकेशन लिखने का कैसा नियम होता है, तो चलिए मैं इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आज एप्लीकेशन इसलिए लिखूंगा क्योंकि मेरा जो है पार्ट वन में मैंने जो एग्ज़ाम दिया, तब उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि दो सब्जेक्ट में मेरा एब्सेंट बता रहा है, जबकि मैंने एग्ज़ाम भी दिया है। तो इसके रिगार्डिंग ही मुझे आज एक एप्लीकेशन लिखना है, उसके बाद यही एप्लीकेशन को ले आकर के कॉलेज में जमा करना है। तो इसीलिए मैं आज अपना MS Word में अपना एप्लीकेशन लिखूंगा, ताकि आप भी समझ जाएं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है।
देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन अपना लिख दिया है, इसी प्रकार आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये आपका दो ही चीज़ हो सकता है, या फिर आपका यहाँ यूनिवर्सिटी अलग हो सकता है, या फिर आपका कॉलेज अलग हो सकता है, या आप अपना विषय को अलग कर सकते हैं, लेकिन लिखने का प्रक्रिया यही रहता है। तो आपको ये नियम को बिल्कुल समझना है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपका यहाँ पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है, तो इसलिए आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से लिखें। मेरा परीक्षा फल में गड़बड़ था, इसलिए मैंने उसके हिसाब से लिखा है। आपका हो सकता है कहीं बैंक में दे रहे हैं, या हो सकता है कि आप छुट्टी के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको PDF में सेव करना है, तो उसके लिए यहाँ फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एस इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना फाइल चूज कर लेंगे कौन सा फाइल में आपको रखना है। यहाँ एक नाम लिख देंगे जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यहाँ से अपना PDF सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एस पे क्लिक करेंगे तो ये PDF में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ PDF में सेव होने के बाद इस तरह से आपका यहाँ ओपन होकर के रहेगा। देखिए जैसे कि मैंने ये इसको सेव किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा यहाँ सेव हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।